हाई एवरी वन दिस इज एन एम वेलकम टू पी एच डी जॉब एडमिशन सो आज के इस वीडियो में मैंने रिसोर्च मेट्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जनरली जो आपके पीएच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद सो मैं आपको बता दू यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद जो है इस यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैंने लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है वहां से डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और इस यूनिवर्सिटी में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है एग्जाम कैटेगरी वगैरह मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन डेट अभी तक रिलीज नहीं करी है लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो सेक्शन ए में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब मैं आपको बता दूं सेक्शन ए में जो ट्वेंटी फाइव आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोलॉजी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के लिए दो मार्क्स दिया जाता है उस तरीके से आपका फिफ्टी मार्क्स का

नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर कर रखा है और याद रखिएगा नोट्स में हमने जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके से रिलेटेड या फिर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो so, उस नॉलेज को हमने नोट्स में कवर कर रखा है याद रखिए इंटरव्यू के लिए आपके नोट्स ये बहुत हेल्पफुल होने वाले है बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है एंड फाइनली थाउजेंड प्लस प्रैक्टिस और उसी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं तो so, अगर आप इतना भी रिसर्च मेथोलॉजी का प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कंटेंट तो से मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका इजीली इजीली सिलेक्शन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में तो आपको जल्द जल्द से जल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हमारे कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नंबर नजर आ रहा है इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है नॉर्मल नंबर पर नहीं लगेगा याद रखिएगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है वहां से आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो रिसर्च मेथेडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट एंड थाउजेंड प्लस एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथेडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होंगी हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मोक्टेस है उसको आप वन वीक में कवर कर लीजिए और ये जो थाउजेंड प्लस एमसीक्यूट पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आपके एग्जाम के टू टू थ्री आवर्स पहले भी अगर आप इसको

इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जैसे मैंने आपको बता दिया रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपेरेशन एक वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं सो so, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करना है एंड फी फॉर दर्स इज जस्ट फोर एंड लेट्स बिगिन विद दीडियो पहला प्रश्न उस विधि का नाम बताइए जो एक समय में केवल एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है और उसके समायोजन को बढ़ावा देती है। नेम ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डील्स विद ओनली वन पर्सन एट अ टाइम एंड प्रमोट्स हिज एडजस्टमेंट। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें हम केवल एक टाइम पर किसी एक पर्सन के बारे में या फिर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में किसी एक टॉपिक के बारे में उस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करते हैं यानी इस प्रश्न में, में पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें हम एक ही समय पर केवल एक ही व्यक्ति या फिर एक ही किसी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी विषय पर डिटेल में उसको बढ़ावा देते हैं उस योजना को हम क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं ये कौन सी विधि होती है हमें ये पता करना है इस प्रश्न में तो याद रखिए जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन पर हम स्टडी करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर डिटेल में स्टडी करते हैं एट अ टाइम यानी उसी टाइम पर तो उस मेथड को उस विधि को हम कहते हैं केस अध्ययन और केस स्टडी अब ये होता क्या है केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में केस स्टडी पर आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन देखने ही मिलता है सो केस स्टडी क्या है ये डेटा कलेक्शन टूल है जिसके थ्रू आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो अब केस स्टडी में आप क्या करते हो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और जल्दी से समझ में आ जाए अब हमने एक एग्जाम्पल लिया हम ये देख रहे हैं कि मुझे आईफोन लॉन्च करना है ठीक है आईफोन का नया वर्जन आया है मुझे आईफोन लॉन्च करना है सो so, मैं क्या करूँगी आईफोन के लॉन्चिंग से पहले आईफोन जब मैं लॉन्च कर रही हूँ जब मार्केट में आईफोन लॉन्च हो रहा है उसके पहले आईफोन पर टेस्ट करा जाता है सो so, उसके लिए मैंने क्या करा फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बना लिया तो so, याद रखिएगा केस स्टडी में हम क्या करते हैं फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बना लेते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं अब यहाँ पर मैं किस लोगों का ग्रुप बनाऊंगी फोर टू फाइव लोगों का जो जो जो, जो, जो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट्स है ओके जो जिनको फोन के बारे में ज्यादा नॉलेज है ओके जिनको जो कंप्यूटर्स के बारे में जिनको ज्यादा नॉलेज है प्रोग्रामिंग ओके सो उन लोगों को मैं अपने स्टडी में चूज करूंगी सो so यहाँ पर मैंने क्या करा फोर टू फाइव एक्सपर्ट्स को चूज कर लिया अब इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अब जैसे मान लीजिए ये कहेंगे कि यहाँ पर आईफोन की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए न्यू वर्जन है तो कैमरा पिक्सल अच्छा होना चाहिए ओके ऐप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए स्टोरेज और होनी चाहिए सो so, इस तरीके से इस ग्रुप में ये डिस्कशंस होते हैं सो so, इस डिस्कशन से आप जब भी कोई ग्रुप में डिस्कस करते हो आप भी कोई बेसिकली आप किसी भी टॉपिक पर मान लीजिए आप किसी ग्रुप में स्टडी बात कर रहे हो किसी ग्रुप में मेंटिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे तो आपको वहां पर डेटा किस फॉर्म में, में मिलेगा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में ओके जब भी हम किसी ग्रुप में किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं तो हमें डेटा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है तो याद रखिएगा वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में हमें किस रिसर्च में डेटा मिलता है कॉलिटेटिव रिसर्च में ओके क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलता है सो so, याद रखिएगा क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है आपका केस स्टडी जिसके हेल्प से आप डिटेल में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो सो so, ये मेथड होता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड होता है याद रखिएगा इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको दो तीन टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन से रिसर्च में आप किस टाइप से डेटा कलेक्ट कर रहे हो कि आप ये क्वालिटेटिव टाइप का डेटा आपके पास प्रेजेंट मिलता है या फिर आप क्वांटिटेटिव टाइप का डेटा आप एकत्र एक करते हो ओके okay, सो so आपको ये पता होना चाहिए केस स्टडी जो होता है ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डेटा को गैदर करते हो और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप फोर टू फाइव लोगों का ग्रुप बनाकर उस पर डिस्कशन करतेन कलेक्ट करते हो और किसी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हो केस स्टडी में तो so याद रखिए केस स्टडी क्या होता है जिसमें आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक पर सिर्फ एक ही पर्सन पर या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केस स्टडी अब जो रिमेनिंग ऑप्शन से उन्हें भी हम एक-एक बारी देख लेते हैं क्वेश्चन एयर क्या होता है क्वेश्चन एयर में एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं तो ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप डाटा गैदर uh, करते हो और इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो ठीक है सो यहाँ पर यहाँ पर आप एट ए टाइम बहुत सारे टॉपिक पर इंफॉर्मेशन गैदर करते हो बस एक ही टॉपिक पर नहीं so, सो इसलिए इस प्रश्न का ये सही उत्तर नहीं हो जाएगा उसी so, तरीके से ऑप्शन सी इंटरव्यू इंटरव्यू क्या होता है इसमें भी आप किसी एक्सपर्ट्स के बारे में उनका इंटरव्यू लेते हो ओके एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लेते हो यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बनाते हो किसी डिस्कशन नहीं होते लेकिन आप कोई इंटरव्यू लेते हो एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हो और उनके थ्रू आप डेटा गैदर करते हो सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा बल्कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केस स्टडी और केस अध्ययन अगला प्रश्न केस स्टडीज आ केस स्टडीज है सो so, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केस स्टडी क्या होती है क्या हम केस स्टडी में क्या करते हैं हमें ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में सो so, हम इस प्रश्न में जो एक एक आपको विकल्प दिए गए हैं उन सारे विकल्प को डिटेल में पढ़ेंगे डिटेल में हम उसको डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी क्या होता है बेसिकली हम केस स्टडी में क्या कंडक्ट करवाते हैं किस चीज को एग्जामिन करते हैं ये सारी चीजें हम इस प्रश्न में देख लेंगे सो so, यहाँ पर हम पहले विकल्प देखते हैं। विकल्प हमें बोल रहा है स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी, अनुवंशिकी और सुषम जीव ज्ञान के क्षेत्रों में किए गए अध्ययन यानी यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी जो कि बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं ओके तो ये बायोलॉजिकल एरियाज होते हैं कि सिर्फ इन्हीं को स्टडी करने के लिए यही स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए हम केस स्टडी करते हैं जैसे मान लीजिए हम केस स्टडी जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में एक एग्जांपल दिया एक उदाहरण दिया जिसमें हमने मोबाइल के लॉन्चिंग पर देखा था ओके okay, केस स्टडी आप किस भी फील्ड में कर सकते हो जो फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो ड्रग्स पर कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकल ही फील्ड में करो आप दूसरी किसी भी फील्ड में कर सकते हो आप कोई न्यू मोबाइल लॉन्च कर रहे हो या फिर आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी करा है सो उसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो फोर टू फाइव पीपल का ग्रुप बनाकर तो जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में आप सिर्फ किसी जेनेटिक्स और माइक्रोबायो बायोलॉजी यानी बायोलॉजिकल फील्ड से रिलेटेड आप किसी माइक्रोब्स पर आ, आप स्टडी करो ओके सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा देन डायरेक्टली हम विकल्प सी देखेंगे और रिपोर्ट ऑन दी एग्जिस्टिंग सोशल सोशो पॉलिटिकल कंडीशन यानी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट आप क्या करो आप जो कंडीशन uh, है जो करंट सिचुएशन है सोशल पॉलिटिकल कंडीशन जो है उस पर आप रिपोर्ट बना रहे हो पॉलिटिकल जो सोशल uh, पॉलिटिकल जो कंडीशंस है उस पर आप क्या कर रहे हो उनको मेंशन कर रहे हो, उनको एनालाइज़ उस पर रिपोर्ट बना रहे हो सुन स्टडी में आपको कोई रिपोर्ट उपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है आप बस किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हो आप स्टडी के बारे में स्टडी को कंडक्ट करवाते हो और उस पर डिटेल -डि में उसको बताते हो तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा उसी तरीके से विकल्प डी स्पेशलाइज्ड रिसोर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन स्वस्थ और स्वच्छता के क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान नहीं यहाँ पर हेल्थ और सैनिटाइजेशन यही इसी स्पेशल इसीलिए रिसर्च नहीं की जाती इसीलिए हम केस स्टडी नहीं करते यस yes, हम तो बात करेंगे अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है उस पर हम केस स्टडी में डिस्कस कर सकते हैं सैनिटाइजेशन से भी रिलेटेड कर सकते हैं लेकिन स्पेशल इसी एरिया में आप कहोगे की इसी एरिया में केस स्टडी करी जाती है सो तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि केस स्टडी हर एक टॉपिक पर की जाती है हर एक विषय पर की जाती है जरूरी नहीं हूं कि वो बायोलॉजिकल फील्ड से ही हो तो so, यहाँ पर आपका विकल्प भी गलत हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा उसी तरीके से अब रिमेनिंग आपका एक ही ऑप्शन रह गया जो क्या है एन इनडेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन किसी विषय और उससे संबंधित स्थितियों के गहन परीक्षा सो so, ऐसे आप क्या करते हैं यहाँ पर किसी एक टॉपिक के बारे में इनडेप्थ उस टॉपिक को एग्जामिन करते हो क्यों ऐसा हो रहा है कि पर्टिकुलर डिसीज हो रही है कि पर्टिकुलर फेनोमेना आकर नहीं हो रहा है उसको डिटेल में आप एग्जामिन करते हो और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में आप बताते हो उसके बारे में डिस्कशंस करते हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है सो यही करते हो सो याद रखिएगा केस स्टडी में आप डिटेल में उस चीजों को उस सब्जेक्ट को और पर्टिकुलर टॉपिक को उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसको रखकर आप डिटेल में उसे एग्जामिन करते हैं so, उसी को हम कहते हैं केस स्टडी सो यहाँ पर आपका विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एंड इनडेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन अगला प्रश्न तथ्यात्मक प्रयोगों में हम इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स भी सो so यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में यानी तथ्यात्मक प्रयोगों में हम क्या करते हैं बेसिकली सो so बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में इस पर वन और टू क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी तो so, याद रखिएगा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ही तरह होता है उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको टर्म्स देखने मिलते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी वही टर्म होता है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ सो पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे बाद में ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे सो so, याद रखना है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो uh, रिसर्चर्स है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं याद रखिएगा मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरी कर सकते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं उसमें हेर फेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके पास यानी दो से ज्यादा ओके? So, यहाँ पर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं ओके दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी परफॉर्म करते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेटर चेंज करते हैं उसमें हेर करते हैं ये दो पॉइंट पॉइंट हो गए। थर्ड हम देखते हैं। पॉइंट्स में हम स्टडी करते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी ओके okay. थर्ड होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है डिटेक्ट करने में इंटरक्शन अमंग वेरिएबल्स ओके यानी इंटरक्शन डिटेक्शन ओके इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है अमंग वेरिएबल अब जैसे वेरिएबल्स वेरिएबल्स में कुछ होते के कुछ लेवल्स लेवल्स होते होते हैं हैं के उनमें किस तरीके से इंटरक्शन हो रहे हैं ये डिटेक्ट करने में रिसर्चर को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं अब यह आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सो so हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी कर रही हूँ जैसे मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डोसेज और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइकोथेरेपी ओके तो पर मैं क्या कर रही हूँ डोसेज और साइकोथेरेपी ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैं यहां पर स्टडी कर रही हूँ जैसे कि यहाँ पर ये यह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में और फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसे कहते हैं फैक्टर्स इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। so याद रखिएगा फैक्टोरियल साइकोथेरेपी इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स इसी फैक्टर्स के डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे अब जैसे कि डोसेज का लेवल्स किस तरीके से हो सकता है हाई मीडियम लो, ओके, okay? और लो मीडियम हाई इस तरीके से डोसेज के तीन लेवल्स हो गए अब साइकोथेरेपी अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो साइकोथेरेपी के लिए अपने पेशेंट्स को बुला रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए वो दो काउंसलिंग कर रहा है एक हाई काउंसलिंग हो रही है और एक लो काउंसलिंग हो रही है यानी क्या कर रहा है यहाँ पर सोचो किसी पेशेंट को ज्यादा बार विजिट करने बोल रहे हैं डॉक्टर के पास और किसी पेशेंट्स को कम बार विजिट करने बोल अब किस तरीके से ये स्टडी हो सकती है कि कि पर क्या करेंगे डोसेज और साइकोथेरेपी ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट कर रहे हैं इनका कैसा इफेक्ट हो रहा है अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने क्या करा जो डोसेज लेवल है यहाँ पर किसी को हाई डोसेज लेवल दे दिया और कम काउंसिलिंग के लिए बुलाया है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है किसी को मीडियम डोज देकर उसे कम बार बारउंसिलिंग पर बुला रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है किसी को लो डोस देकर उसको ज्यादा बार काउंसिलिंग के लिए बुला रहे तो हो सकता है सो so, ये स्टडी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत हेल्पफुल होता है ओके okay? अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ का, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है इस डिजाइन को और ये जो स्टडी हमने परफॉर्म करी ये जो एग्जांपल हमने लिया इसे हम कहते हैं थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन ओके इसे हम क्या कहेंगे थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन अब थ्री क्यों कहते हैं इसे क्योंकि डोसेज का जैसे आप देख रहे हो लेवल क्या है हाई मीडियम और लो सो so ये हो गया आपका थ्री और साइकोथेरेपी के आपके कितने लेवल्स थे दो एक आप हाई के लिए बुला रहे थे और एक लो इसीलिए यहाँ पर आ गया टू अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो थ्री और टू ये दो ही फैक्टर्स है ओके okay? दो किस लिए है क्योंकि यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसीलिए इस स्टडी को हम हाँ कहेंगे थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन तो so, हम जल्दी जल्दी से जल्दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे हम रिवाइज कर लेंगे पॉइंट्स को देखकर पॉइंट में हमने देखा कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जिसमें हम हेरफेर कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं पॉइंट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आप टू और मोरियन दो और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो पॉइंट थ्री आप क्या कर सकते हो रिसर्चर को यहाँ पर अलाउ uh, होता है ये इंटरेक्शन देख सकते हैं अमंग द जैसे हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल दिया इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स और इस फैक्टर्स को हम इस स्टडी को कहेंगे थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का सो ऑप्शन ये बता रहा है टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम यहाँ पर हम एट ए टाइम एक ही फैक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मल्टीपल फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं so, सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा

फैक्टोरियल so डिजाइन में एक मुख्य प्रभाव डैश होता है इन फैक्टोरियल डिजाइन मेन इफेक्ट इज दी सो फैक्टोरियल डिजाइन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट सो मेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में फैक्टोरियल so, डिजाइन में जैसा हमने देख लिया फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं ओके okay? तो so, यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या होता है ये हम देखेंगे तो so, याद रखिएगा फैक्टोरियल डिजाइन में मेन इफेक्ट यानी एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपकी जो स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो किसमें आपकी फैक्टोरियल डिजाइन में जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो रहा है ओके okay? उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट मेन इफेक्ट क्या बताता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे जो आउटकम्स आ रहे जो आपके इंडिपेंडेंट uh, का जो प्रभाव आपको दिख दिख रहा रहा है, है? ये किस वजह से दिख रहा है? कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो मल्टीपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करा है सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा तब आपका कहोगे कि उसका मेन इफेक्ट है मेन इफेक्ट का मतलब मेन चीज ओके मेन इफेक्ट मतलब मेन चीज किसकी वजह से ओके मेन इफेक्ट ही आपको बता रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट अगर आप देखोगे सो फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट जो इंडिपेंडेंट वजह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है सो so, हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ओके द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आपके आश्रित जो चर है उसका किस तरीके से प्रभाव हो रहा है स्वतंत्र चर पर ये हम देखते हैं स्वतंत्र चर पर जो भी प्रभाव हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से सिर्फ और सिर्फ वो आश्रित चर के वजह से हो रहे हो तो उससे हम कहेंगे मेन इफेक्ट इन अ फैक्टोरियल डिजाइन सो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं तो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे थे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरियबल ऑन द डिपेंडेंट वेरियबल कंबाइंड इफेक्ट यानी सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं बोल रहा है effect, effect, जो सारे चर है उसके इफेक्ट सो नहीं मेन इफेक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रभाव देखने मिल रहा है वो आश्रित चर का ही होना चाहिए स्वतंत्र चर ओके सो so, यहाँ पर आपका विकल्प ये गलत हो जाएगा इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा इंटरक्शन इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर यानी स्वतंत्र चरों का पारस्परिक प्रभाव और आश्रित चर पर उनका प्रभाव नहीं हम इंटरक्शन नहीं देख रहे यानी उनके लेवल्स के बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरक्ट कर रहा है ये नहीं देखेंगे मेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही वजह से आपका कुछ इफेक्ट होना चाहिए सिर्फ आपके स्वतंत्र चर का ही इफेक्ट होना चाहिए सो so, यहाँ पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर पर प्रत्येक स्वतंत्र चर का प्रभाव ओके अगला प्रश्न और टू इंटू टू फैक्टोरियल टू इंटू टू फैक्टोरियल क्या होता है हमें इस प्रश्न में पता करना है सो so, टू इंटू टू फैक्टोरियल ये एक फैक्टोरियल डिजाइन का ही टर्म होता है टू इंटू टू फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर हमें दिया गया है टू इंटू टू फैक्टोरियल यहाँ पर कितने टर्म्स है वन और टू दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इस स्टडी में यूज करे गए होंगे इसीलिए हम इसे कहते हैं टू इंटू टू फैक्टोरियल अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक और टू देता आपको इंटू टू और होता तो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए होते थ्री अब और टू होता यानी फोर सो so, यहाँ पर सिर्फ हमें टू इंटू टू दिया गया है ओके okay, यहाँ पर हमें सिर्फ टू इंटू टू दिया गया है दैट मीन्स यहाँ पर आपके टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया है अब यहाँ पर टू दिया गया है फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपको टू दिया गया है मतलब जो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें दो लेवल हो सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड उसी तरीके से सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें भी और दो लेवल आपके चूज करे गए होंगे किस तरीके से हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अब मान लीजिए आप किसी प्लांट की ग्रोथ पर स्टडी कर रहे हैं ओके okay, प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हो सो so, उस केस में आपने क्या करा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया आपने ओके okay? अपने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया जैसे आपने चूज कर लिया वाटर और फर्टिलाइजर ओके फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर और सेकेंड है फर्टिलाइजर आप ये देख रहे हो कि वाटर के लेवल को और फर्टिलाइजर के लेवल के बीच में इंटरेक्शन देखोगे इनका इफेक्ट देखोगे कि, कि प्लांट की ग्रोथ पर किस तरीके से इन दोनों वेरिएबल का इफेक्ट हो रहा है अब वाटर का आपने दो लेवल चूज कर लिया अब यहाँ पर वाटर uh, और फर्टिलाइजर ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में क्या कहते हैं फैक्टर्स सो वाटर और फर्टिलाइजर इनको हम कहेंगे फैक्टर्स और इनके क्या होते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर जिसे हम कहते हैं लेवल अब वाटर का क्या, क्या लेवल हो सकता है वाटर के दो लेवल हो सकते हैं आप आ, या तो आप हाई लेवल में वाटर दे रहे हो प्लांट को या फिर लो लेवल में किस तरीके से आप दोगे मान लीजिए आपने आ, ट्वेंटी लीटर्स वाटर दिया और टेन लीटर्स वाटर दिया अपने प्लांट को तो यहाँ पर आपने लेवल सेट कर लिया उसी तरीके से फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का भी आप कुछ लेवल दोगे आप कुछ फर्टिलाइजर डालोगे ओके आप हाफ के जी फर्टिलाइजर डालोगे कभी आप वन के जी फर्टिलाइजर डालोगे आपके पूरे गार्डन एरिया में और आप देखोगे कि आपकी प्लांट ग्रोथ किस तरीके से हो रही है प्लांट की ग्रोथ किस तरीके so, से हो रही है सो यहाँ पर हमने क्या करा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया इसीलिए यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही टर्म दिया गया है टू इंटू टू ओके अब यहाँ पर वाटर के दो लेवल यूज करे गए होंगे और फर्टिलाइजर के दो लेवल इसीलिए यहाँ पर बताया गया आपको टू इंटू टू ओके okay, इसीलिए हम इसे कहते हैं टू इंटू टू फैक्टोरियल डिजाइन अब यहां पर क्या होगा यहां पर क्या करा है स्टडी में इनिशियली दो डिजाइन को एक ही स्टडी में कंबाइन कर सिंगल स्टडी परफॉर्म करी गई ओके okay, किस तरीके से इनिशियली क्या करा गया दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया ओके वाटर और फर्टिलाइजर सो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनको कंबाइन इन पर एक ही सिंगल स्टडी करी गई सिंगल स्टडी में ही इन दोनों वेरिएबल्स पर स्टडी करी गई ये डिजाइन कैरी आउट करी गई सो so, इसे हम कहते हैं 2 2 फैक्टोरियल डिजाइन सो इस प्रश्न का आपका उत्तर विकल्प सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य रूप में अनिवार्य रूप से दो डिजाइन है जिन्हें एक ही अध्ययन में जोड़ा गया है ओके दो डिजाइन है यानी वाटर और फर्टिलाइजर है ये आपके होगा दो डिजाइन जिन्हें एक ही अध्ययन में स्टडी करी गई एक ही एक ही सिंगल स्टडी में इन पर रिसर्च करी गई इससे हम कहते हैं टू इंटू टू फैक्टोरियल अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं ऑप्शन बी बता रहा है कंटेंट्स फोर फैक्टर्स

ड नॉट हैव इनअ फैक्टर टू शो इंटरक्शन इंटरैक्शन दिखाने के लिए पर्याप्त कारक नहीं है

आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो